हेलो एरीज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए देखें तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्क्रिजोफोनिया, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि जुलाई मंथ में आप टू माइंड्स में रह सकते हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि जुलाई मंथ में आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कहीं आप अपने पार्टनर को भी मिस करते हैं। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा समय अपने पार्टनर को ना दे पाएं, और इसीलिए कहीं आप टू माइंड्स में हैं, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ नहीं होते तो आप बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कहीं वो मिलना भी चाहते हैं अपने पार्टनर को, कहीं एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग उनको होती है। हो सकता है कि वो आना चाहते हों, उनके पास मिलना चाहते हों। इन जनरल कहीं मुझे दिख रहा है कि एक इनकम्प्लीट फीलिंग आपको जुलाई मंथ में रह सकती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि एक मन आपका कहता हो कि भाई अकेले रहना ही ठीक है, एटलीस्ट जुलाई मंथ के लिए। मैं बोल रही हूँ, मैं पूरा आपकी लव लाइफ की प्रिडिक्शन नहीं कर रही यहाँ पे, मैं सिर्फ जुलाई की प्रिडिक्शन कर रही हूँ। तो जुलाई में कहीं हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा अकेले भी रहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर भी फोकस करना चाह रहे हैं, और यही एक कारण हो सकता है कि आप टू माइंड्स में हैं। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि बहुत सारे एरीज के लिए हो सकता है कि आप श्योर नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपकी क्या रियल ट्रू फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए, उसके लिए आप श्योर नहीं दिख रहे हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, आप उनके बगैर रह नहीं सकते हैं, या मैं कहूँगी कि जुलाई मंथ में कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी लगता होगा कि नहीं भाई इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो कहीं अगेन एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं, और कहीं आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव या बहुत ज़्यादा एक्शन भी जुलाई मंथ में रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर के लिए लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे मास्टर का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप फेथ पे छोड़ते हुए चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए चल रहे हैं कि भाई जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, अभी करंट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में ही जाना बेहतर है। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़बरदस्त एक पैशन भी आप महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा मुझे अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिख रहा है, बट हो सकता है कुछ एरीज अपने पार्टनर के लिए भी महसूस कर रहे हैं, और यही एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी हों जो जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में रह रही हैं। और अब देखें कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही फैमिली के कार्ड हैं, एक कमिटमेंट का कार्ड है, एक बहुत ज़्यादा लव और लव में एक कम्प्लीशन का कार्ड है। तो कहीं आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि जुलाई मंथ में आपको ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो कम्प्लीशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए। कुछ एरीज के पार्टनर बोल सकते हैं वो शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस है, और ये इंटरफेरेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नीचे गिल्ट एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स हैं, ये ग्रे कार्ड्स हैं, तो कहीं ये मुझे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस नहीं है। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके फैमिली मेंबर्स काफ़ी एक प्रेशर उनको दे रहे हैं कि भाई शादी कर लो, अब डिसाइड करो आगे तुमको क्या करना है, या उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली में पता लग गया है इस रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए कहीं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं, और कहीं आपके साथ एक फ्यूचर वो चाहते हैं, और आपके साथ एक फ्यूचर वो देखते हैं, एक कम्प्लीशन वो चाहते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिलने के लिए भी वो जुलाई मंथ में कहें, बहुत बात करने के लिए भी कहें, बट कहीं मुझे दिख रहा है अगेन कि
आप इतना एक यू नो इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे, आपके अंदर इतना ज़्यादा मैं कहूँगी एक्साइटमेंट एंथुजियाज़म मुझे नहीं दिख रहा है। कभी कभी हो सकता है कि वो पैशन इग्नाइट हो जाता हो, वो पैशन यू नो एकदम से आप फील करते हो, बट ज़्यादा यू नो जुलाई मंथ में मुझे आपके करियर के लिए दिख रहा है, रिलेशनशिप के लिए नहीं दिख रहा है। कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी कि हो सकता है कि रिलेशनशिप भी है, तो यू नो अगेन मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ज़्यादा लव महसूस करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, आपसे उनको इतनी वापसी नहीं मिल रही जितनी वो चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही एरीज कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यू नो हर एक इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो उसी हिसाब से देखते हैं कि उनको वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आपके पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है कि जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उतना उनको आपकी तरफ से जुलाई मंथ में नहीं मिल रहा है, और इसी चीज़ की वजह से कहीं एक यू नो मेंटल एक टेंशन उनको रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है, परेशान रह सकते हैं, और डीपर लेवल पे वो सोच सकते हैं कि भाई यू नो गिव अप कर देना चाहिए। और हो सकता है कुछ एरीज के पार्टनर योगा मेडिटेशन कर रहे हों इन एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, और बाय द एंड ऑफ जुलाई कहीं मुझे दिख रहा है एरीज आपके पार्टनर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं इन सब सिचुएशन से, इरिटेट हो सकते हैं, कुछ फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है, फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है, और कुछ यू नो आपकी तरफ से भी वैसे उनको नहीं मिल रहा जैसा वो चाह रहे हैं, और इसकी वजह से अगेन काफ़ी एक यू नो सेपरेशन महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं है, अगेन मैं कहूँगी कि एक बर्डन एक स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी भी हो सकती है। और यहाँ पे आपके लिए भी हाई प्रीस्ट का कार्ड मुझे कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि हो सकता है कि उनको आप सारी चीज़ें ना शेयर कर रहे हों अपनी लाइफ की, खुल के सब बातें उनसे ना कर रहे हों, या मैं कहूँगी कि कोई चीज़ है एरीज जो आप अपने पार्टनर से जुलाई मंथ में छुपा रहे हैं, और कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को सेंस कर रहे हैं, कहीं उनको ऐसी फीलिंग हो रही है और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकते हैं उस चीज़ को जानने के लिए, और इसलिए थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, और इसलिए थोड़ा सा यू नो बर्डन भी महसूस कर सकते हैं। और अब देखें कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है, तो एरीज बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन के कार्ड्स हैं। ये दोनों पेंटिकल्स के कार्ड मुझे कह रहे हैं दो ये रिलेशनशिप है, आप यू नो लव महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन कहीं आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका प्रोफेशनल लाइफ एक प्रायोरिटी रह सकती है। आप बहुत ज़्यादा यू नो अपने फाइनेंसेस और करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मुझे दो तीन चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ देखिए ना, मैजिशियन जो होता है वो रियलिटी नहीं बताता, बहुत एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो कहीं मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में नहीं है। यहाँ पे नीचे प्रोजेक्शन का भी कार्ड है, और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो ये जो फिगर्स हैं ये क्लियरली एक दूसरे को नहीं देख पा रही हैं, बीच में एक वॉल है, एक धुंधलापन है। तो कहीं मैं कहूँगी कि जुलाई मंथ में इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी नहीं है, और आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल सकते हैं, क्योंकि शायद आप भी अभी बहुत क्लियर या बहुत श्योर अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू इंटेंशंस के लिए नहीं हैं, और कहीं एक इल्यूजन सा कुछ चीज़ों के लिए रह सकता है, या आप दोनों में से कोई क्रिएट कर सकता है। ज़्यादा आपकी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे, सेक्रेट हार्ट और थिंकिंग ऑफ यू एंड सेक्रेट जर्नी के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप सोच भी सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए कि यू नो क्या करें, कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। यहाँ पे सेक्रेट हार्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे क्रिएटर कार्ड में देखा भी कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा परस्यू करना चाह रहे हैं। और कहीं यू नो अगेन मैं कहूँगी कि आप शायद जुलाई मंथ में, अगर मैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी देखूँ, तो मुझे दिखता है कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप एक बैलेंस लेकर आएँ। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ मुझे दिख रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्रेट जर्नी का कार्ड मुझे कह रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे इवॉल्व होगा, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। आपके पार्टनर भी एक पॉइंट पे आके थोड़े
थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ जुलाई हो सकता है यू नो एक चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए इस रिलेशनशिप में, और एक जो साइकिल है जिसमें यू नो एक अनश्योरिटी थी, अनसर्टेनिटी थी, वो ब्रेक हो और एक नया साइकिल शुरू हो, और कहीं यू नो फैमिली का भी एक इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, और वो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये थियरीज आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।